मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। देखिए सर, इन श्रीमती सिंधु सिंह जो नगर सभापति थी सिवान नगर परिषद की, उनको भ्रष्टाचार का आरोप था। कि एक पहला आरोप ये था कि जमीन घोटाला, जमीन पूरा जो है पूरा निस्तारण के लिए जमीन खरीदा गया था, जिस पर कूड़ा उठाकर डालने के लिए वो 4 करोड़ में खरीदा गया था, और जमीन किसी और मतलब कि जो जमीन खरीदा गया था वो पैसा 4 करोड़ जो रजिस्ट्री किया था उसको नहीं गया था, 2 करोड़ 23 लाख रुपया जो रजिस्ट्री नहीं किया उस आदमी के नाम पर खाता में पैसा डाला गया, और उस पैसे का बंदरबांट हुआ 2 करोड़ 23 लाख का। जब इसकी शिकायत हम लोगों ने और श्री विक्रम कुंवर को राज्य मंत्री बिहार सरकार डीएम साहब को आवेदन दिया, प्रधान सचिव नगर विकास को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री को आवेदन दिया, इस पर जांच कराया गया जिला पदाधिकारी सीमांत द्वारा। जांच में प्रमाणित पाया गया कि 2 करोड़ 23 लाख रुपया जो आदमी जो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, जमीन जिसका है भी नहीं, उसके खाता में पदाधिकारी और अध्यक्ष की मिली भगत से पैसा भेज दिया गया, इस पैसे का बंडरबांट हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब जांच होगा कि भाई जब आपने रजिस्ट्री नहीं किया, जमीन लिखवे नहीं किया, आपका शेयर नहीं है, तो आपको 2 करोड़ 23 लाख रुपये क्यों दिया गया, एक ये आरोप था जिसको जिला पदाधिकारी ने जांच कराकर इसको प्रमाणित पाया गया। दूसरा आरोप, 49 लाख का रोड बनाया गया जो हॉस्पिटल मोड़ से लेकर तरवाड़ा मोड़ तक चौड़ीकरण था, 5 फीट चौड़ीकरण रोड करना था उसको, वो ठेकेदार सिर्फ सिंधु सिंह ही बन गई। सिंधु सिंह खुद अध्यक्ष होकर उस रोड को बनवाई, जो किसी तरह पद का दुरुपयोग है। इसी मामले को जांच जिला पदाधिकारी के द्वारा कराया गया माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर, और इस पर जांच लगभग 6 महीना पहले हमारे डीएम साहब सरकार को भेज दिए थे, अब जाके उस पर कार्रवाई इनको किया गया है। सरकार ने आरोप को प्रमाणित पाया है भ्रष्टाचार का, इस वजह से इनको पद से हटाते 25(5) धारा है बिहार नगर पालिका अधिनियम के, इसके तहत जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है उसको सरकार पद से हटा देती है। ये सीमांत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अध्यक्ष को पद से हटाया गया भ्रष्टाचार का आरोप। FIR डीएम साहब को आया है वहाँ पर, अब आज डीएम साहब शाम तक या कल इसको FIR डीएम साहब कराएंगे नगर थाना सीमांत। इंतखाब अहमद, गुरुपार। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।